सिटी पुलिस का साइबर क्राइम यूनिट बहुत ही अच्छा काम किया है। जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हम बहुत दिनों से इसके बारे में जांच कर रहे थे, उसको साइबर क्राइम यूनिट ने डिटेक्ट किया है। और आप सब जानते हैं कि अभी तक महेश बैंक का फ्रॉड, उसके बाद एक पेमेंट गेटवे का फ्रॉड साइबर क्राइम पुलिस वालों ने डिटेक्ट किया था। आज ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जो ऑथराइज मनी चेंजर्स जो होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज हमको बेचते खरीदते हैं हमारे पास, उनको उनके ज़रिए ये जो बड़ा सा 903 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो अभी पैन इंडिया, मतलब पूरे अपने मुल्क में ये जो फ्रॉड हुआ है, उसका तहकीकात बहुत अच्छी तरीके से करके इसमें पहली बार दो चाइनीज़ नेशनल्स को भी पकड़ा गया है। जो चाइना से हम सुनते आ रहे हैं कि चाइना में बेस्ड ये जो कंपनीज़ हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो अब ऐप्स के ज़रिए हमारे देश में ऐसे फ्रॉड्स कर रहे हैं, हर तरीके के फ्रॉड्स कर रहे हैं, मैरिज फ्रॉड्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर साइबर क्राइम्स कर रहे हैं। तो उनको पहली बार पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है और आपके आगे प्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें थोड़े इसमें बोलने वाली ये बात है कि जो हमारे पास ये जो कंप्लेंट आया था, तो हमने इसका जो तहकीकात शुरू किया वो एक इसके द्वारा है, जो ये उस्मान यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के पास रहता है। उन्होंने कंप्लेंट दिया कि 1,16,000 का रुपए का इन्वेस्टमेंट उसने एक लॉगजैम इन्वेस्ट